अयोध्या में 16 जनवरी से देखिए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हो गए थे और आज ये छठवां दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर मिलेगी एंट्री। उधर अयोध्या को देखिए 2000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 2000 क्विंटल फूलों से सजी है अयोध्या। आज शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। आज शाम को रामलला की पुरानी प्रतिमा को राम मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला के साथ उनके तीनों भाई होंगे, उनके साथ हनुमान होंगे और शालिग्राम भी होगा। यहां आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे। वो यहां पर 4 घंटे रुकेंगे। उनके 21 जनवरी को अयोध्या आने की चर्चाएं थी क्योंकि मौसम लगातार खराब है, लेकिन अभी ये तय हो गया कि उनका पूरा कार्यक्रम कि वो कल ही पहुंचेंगे। अवध में राम के आगमन की हो रखी है तैयारी। राम आ रहे हैं, अयोध्या सज चुकी है। देखिए दीपावली देश मनाता के और दीपावली को मनाने के पीछे जो उद्देश्य बताया जाता है वो यही के कि राम जब अयोध्या वनवास से वापस लौटे थे उस दिन काली अंधेरी रात थी। ऐसे में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दियों से रोशन कर दिया था कि ताकि जब राम आए तो अयोध्या आने का रास्ता उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाए। और आज फिर अयोध्या सज कर तैयार हो गई है, राम के आगमन का बस इंतजार है। और आपको बता दें कि फूलों से अयोध्या को सजाया गया है, रात के समय लाइटों से सजाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से खबरें अभी तक के संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अयोध्या में देखिए ये तैयारियां अपने अंतिम चरण में जा पहुंची है, कल पीएम मोदी आ रखे हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारियां नजर आती है, क्या कुछ आप देख पा रखे हैं? बिल्कुल आरती, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अयोध्या राममय है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 दिन का चौथा दौरा है। ये दौरा जो है कल भी रहेगा और जिस प्रकार से पीएम मोदी का दौरा है, आज अयोध्या में ही सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे, रात्रि में जो है बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिन के अंदर समीक्षा बैठक करते रहे और जो अयोध्या की तैयारियां उनका जायजा लेते हैं। लेकिन बात तैयारियों की जाए तो आज अयोध्या राममय के साथ साथ पूरा विश्व आज राममय है। चाहे लंदन की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, यहाँ भी राम को लेकर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और लोगों की बात की जाए जो माता जानकी है, माता जानकी जानकी शहर है नेपाल में, वो भी पूरा राममय दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो तैयारियां हैं वो दिखाई पड़ रही है। अयोध्या किसी बात की जाए तो 2500 फूलों से सजाया गया है, अयोध्या को भी छावनी तब्दील कर लिया गया है। और दूसरी बात चीजें ये भी है कि जिस प्रकार से रूपरेखा थी 14 से लगातार पूजा पाठ हो रहा था, वो भी तैयार है। आज 114 कलश हैं, उन कलशों से आज स्नान कराया जाएगा, भगवान श्री राम को जो प्रतिमा स्थापित की गई है। तो लगातार ये भी देखा जा रहा है तैयारियां, उनका जायजा लेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिन के अंदर चौथा दौरा है, आज वो बैठक करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे, रात्रि में ही विश्राम करने के बाद कल पीएम मोदी का भी दौरा है और उसके बाद ठीक 12:20 पे कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद 23 तारीख को जो आम जनमानस है जो राम दर्शन करना चाहता है उसके लिए कपाट खुल जाएंगे। तो उसके बाद एक चीज ये भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से छावनी अयोध्या की तैयारी की जाए तो हर 10 मीटर पे सीआरपीएफ तैनात की गई है। एसपीजी कमांडो आज शाम से यहाँ पे तैनात हो जाएंगे। इसके बाद अलग अलग शहरों से पुलिस व्यवस्था लाई गई है जो की बहुत सख्ती से अगर आप एंट्री करेंगे तो पास दिखा जा रहा है, पास के बगैर आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए वीवीआईपी की, क्योंकि कल शाम से ही 8 बजे से यहाँ पे सारी बंद कर दिया गया है, आम श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। अब आज के देखा जाए तो आज वीवीआईपी यहाँ पे आ रहे हैं। आज अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ रविशंकर प्रसाद, जिंदल ग्रुप के मालिक और अलग अलग जो वीआईपीज हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। इसके साथ लखनऊ की अयोध्या की बात करें तो यहाँ पे बाबा रामदेव पहुंच चुके, स्वामी साध्वी रक्षिता पहुंच चुकी, जो अभी ठीक 11 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जो राम अदाचार जो चित्रकूट के महंत हैं और जो है बहुत बड़े धर्मगुरु हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। तो बड़ी बात इस बात तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज रामलला जो है 114 कलशों से नहलाया जाएगा, उसके बाद जो और विधि विधान रह गए वो सारी पूरी कर ली जाएंगी। कल 12:20 पे प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है मुख्य यजमान के रूप में वो अनिल मिश्रा रहेंगे और यजमान के रूप में प्रधानमंत्री शामिल होकर प्राण प्रतिष्ठा कर राम एक भव्य रामलला का जो इसका इंतजार था पूरे देश दुनिया को इंतजार था। अच्छा आकाश, देखिए ये वो पल है जब अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। एक तो आप दर्शकों को अयोध्या का नजारा दिखाइए और साथ ही साथ यहाँ पहुंचे हुए श्रद्धालुओं से, साधु संतों से या यहाँ काम करने वाले लोगों से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि आनंदित पल एक है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल सातों से जिस प्रकार से श्रद्धालु पहुंच के, मैं अपने दाएं ओर दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर श्रद्धालु आने का रास्ता है, उधर से लोग आ रहे हैं। लेकिन अब ये बात अगर श्रद्धालुओं से बात हो, श्रद्धालुओं को बाहर के जो पुलिस आई है, CRPF और RPF सभी तमाम कैंप है, SSB कैंप है, वो सारे पुलिस व्यवस्था जो है उनके श्रद्धालु जो उनके पास नहीं उनके बाहर का देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, आते हुए लोग जो दिखाई पड़ेंगे वो वही लोग हैं जो जिनके पास है, जो VIPs हैं उनको अंदर जाने दिया, जो बाकी श्रद्धालु अंदर थे उन्हें बाहर किया जा रहा है ताकि यहाँ पे कोई सुरक्षा में चूक ना हो। तो आने वाले की संख्या अब कम कर दी गई क्योंकि जो बाहरी फैजाबाद बॉर्डर है, अयोध्या बॉर्डर है, वहीं पे रोक दिया जा रहा है। जिनके पास पास है आरती वहीं अंदर पा रहे हैं और उन्हीं को अंदर आके जो है दर्शन करने के बाद या कल प्रार्थना में शामिल होने की बात कही जा रही है। आरती, अच्छा आपके पीछे बहुत से लोग हैं जो जा रहे हैं, आप इनसे भी जरा बात कीजिएगा, पूछिएगा कि क्या उन्हें यहाँ पर नजर आती है व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से अब अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। कई लोग हैं जो आपके पीछे जा रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से जा रहे हैं। आप लोग दर्शन करने आए थे? आपने दर्शन किया? नहीं। कहाँ से आप लोग आए? कलकत्ता से। कलकत्ता से आप लोग, बंगाल से आप लोग आए? जो अयोध्या ने पहले आप कभी आए? नहीं नहीं, पहले कभी नहीं। आप जिस प्रकार से जो दिव्य भव्य रूप देख रहे हैं, क्या आपको कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है? आप लोग को दर्शन नहीं मिले? नहीं, अभी तक नहीं मिले। 23 तारीख को हम बाबा गंगा सागर गया था। बंगाल पे रहता हूँ, एयरपोर्ट थाना। हम आए भगवान का दर्शन लेने के लिए। रात को मंदिर गेट दर्शन हुआ, इधर जा रहा है, घूम रहा है। अभी जहाँ जगह मिले हनुमानगढ़ी में रोकेंगे, उसके बाद वो जहाँ धनी लगा रहा है वहाँ तो निमंत्रण। बिल्कुल सत्य, आरती जिस तरह से 1008 तारीख परसों ही दर्शन बंद कर दिए गए तो लोग वापस जा रहे हैं। आपने दर्शन किया कहाँ से? आप इंदौर से? इंदौर से तो आप कहाँ वापस जा रहे हैं? वापस तो नहीं जा रहे, इधर उधर का रुक जाएंगे। अच्छा, 23 तारीख को दर्शन करके ही जाएंगे? 23 को दर्शन करके ही जाएंगे। ठीक, इंदौर से आए साइकिल से? साइकिल से आप लोग आए? जी ठीक है। कैसा सफर रहा, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या की बात की जाए, पहले की अयोध्या आज की अयोध्या में क्या रहेगा? पहले की अयोध्या 1992 की अयोध्या में और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का परिवर्तन। क्या परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है? परिवर्तन क्या, जैसे अपन सरयू घाट पे जाते हैं तो नाना प्रकार की गंदगी पड़ी हुई थी उस टाइम पे, और अब देखो तो बिल्कुल क्लीन, यानी कि स्वर्ग में घूम रहे हैं हम। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से जो श्रद्धालु आए वापस जाने को लिए नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम बाहर का इंतजार करेंगे, 23 तारीख को कपाट खुलने के बाद ही दर्शन करेंगे। लेकिन एक बात आरती और बता दें, क्योंकि जब श्रद्धालुओं की बात आने की बात की जाए तो 23 तारीख के बाद श्रद्धालुओं के आने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। लखनऊ से अयोध्या के लिए 200 बसें चलाई जाएंगी। अगर ट्रेन की बात की जाए, ट्रेनें भी कई बढ़ जाएंगी। उसके साथ राम हाट जो स्टेशन एक है, ये नया स्टेशन बनाया गया श्रद्धालुओं के लिए। पहले ये स्टेशन नहीं हुआ करता था, ये अयोध्या के लिए नया स्टेशन बनाया गया ताकि जो लोग पहले अयोध्या धाम में उतरते थे वो राम हाट आपके रुक सकते थे, वो सीधे सरयू में जाकर स्नान करने के बाद ही व्यवस्था की जाए अगर आने के बाद, क्योंकि 23 तारीख के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और संख्या लाखों की तादाद में होगी आरती। और इस संख्या जब तादाद में होती है तैयारियां भी बड़ी की गई हैं, बसें शुरू हो गए हैं, ट्रेनें कई बढ़ाई जाएंगी, तमाम चीजें देखने को मिलेगा। आरती चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है।